हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पोरियम यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि सीरीज़ चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन सीरीज़, उसकी क्लास सेकंड है। तो आज हम सभी लोग जो है सेकंड क्लास में जो है जिन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है उन सभी पर जो है हम डिस्कशन करेंगे और उन पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि नेम ऑफ सीरियल वैरायटी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि वो कौन सी म्यूटेशन ब्रीड है जो कि इंडियन में जो है उसे विकसित किया गया है। किरण, जगन्नाथ, सोनालिका और आपका कौन सा है सविता। तो चार ऑप्शन है, इन चार में से जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जगन्नाथ जो है यहाँ ये वैरायटी जो है सीरियल वैरायटी जो है ये म्यूटेशन ब्रीड है इंडिया में। तो भारत में उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा ये जो है विकसित की गई अनाज है जिसका नाम है जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपका जैसे मेज एंड सोयाबीन है, पोटैटो एंड मशरूम है, शुगर कैन एंड मस्टर्ड एंड शुगर कैन एंड पोटैटो। तो यहाँ पे जो है आपका जैसे मेज यहाँ पर दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे दिया हुआ आपका सोयाबीन, तो ये होगा या फिर आपका जो है पोटैटो प्लस मशरूम होगा या फिर शुगर कैन प्लस मस्टर्ड होगा या फिर शुगर कैन प्लस पोटैटो होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मेज और सोयाबीन, मेज प्लस सोयाबीन ये दोनों क्या हैं, एक इंटरक्रॉपिंग, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स परसेंटेज इन शुगर केन जूस इज़ द इंडिकेटर ऑफ। गन्ने के रस में जो ब्रिक्स परसेंटेज होता है वो किसका जो है इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, और करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर वो होगा सुक्रोज परसेंटेज इन जूस। जो सुक्रोज का जो परसेंटेज होता है शुगर केन जूस में उसे ही क्या कहा जाएगा, ब्रिक्स परसेंटेज जो होती है वो इंडिकेटर किसका होता है, सुक्रोज परसेंट इन जूस, इसका जो सुक्रोज का परसेंटेज होता है उसी का ये इंडिकेटर तो होता है। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कॉमर्शली, यानी कि वाणिज्यिक रूप से हाइब्रिड कपास विकसित और विकसित करने वाला एकमात्र देश कौन सा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, यूएसए दिया है, इंडिया दिया है और जर्मनी दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे इंडिया। वो ओनली कंट्री कौन सी है, वो इंडिया है, अपना इंडिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड एंड पर्पल कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, यानी कि रेड जो पत्तियां होती हैं उनका रेड और बैंगनी रंग जो है किसके कारण हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पे फास्फोरस। ये जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो लीव्स जो होती हैं वो आपकी जो है रेड एंड पर्पल कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन इज नोन एज, यानी कि ऐसी फसलें जो फसलों की खेती जिनकी अलग अलग प्राकृतिक जो हैबिट्स होती हैं और वो शून्य यानी कि उनमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो ऐसी क्रॉपिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपका सिक्स, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ये जो है पैरेलल क्रॉपिंग इन्हें कहते हैं, ये जो होती हैं क्रॉपिंग्स इनको पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the depth of medium plowing according to CRIDA? CRIDA के अनुसार जो है depth of medium plowing जो है वो कितना होना चाहिए, उसकी depth कितनी होनी चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका 15 to 20। तो यहाँ पे आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि 15 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये चार ऑप्शन है, इन चार में से वो कौन से है जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे वो है ऑप्शन थर्ड AAI, जो AI है आपकी ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वॉट इज़ द परसेंटेज एंड अमाउंट ऑफ सब्सिडी सेक्शन फॉर रीपर कम बाइंडर, रीपर कम बाइंडर जो होता है उस पर जो है कितने अमाउंट तक और कितनी सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी एंड सेक्शन फॉर रीपर काइंड, यहाँ पे अमाउंट और सब्सिडी दोनों आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका यहाँ पे जो सब्सिडी दी जाती है वो आपकी 40% जो है सब्सिडी यहाँ पर जो है रहती है, और उसके बाद जो है बात करें कि जो है कितना अमाउंट तक होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, टेक्नोलॉजी मिशन जो था कोकोनट के लिए वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 2002 में जो है इसे स्टार्ट किया गया था, तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHM वाज रिसेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज सेंट्रली, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वाज स्पेस नहीं है, यह सेंट्रली लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005-06 एम्स एट द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हाउ मेनी वी स्टार्टेड वर कवर्ड अंडर NHM, तो कितने जो है इसके अंडर में जो है स्टार्ट हुई थी, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड 19, कितनी 19 स्कीम्स जो है स्टार्ट हुई, तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 328.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया, हाउ मच एरिया इज अंडर डिग्रेडेड लैंड इन मिलियन हेक्टेयर, तो यहाँ पे जो है कितने मिलियन, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 328.8 मिलियन हेक्टेयर कितना क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है डिग्रेडेड लैंड में आता है, तो आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड 175 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका इसके अंडर में आता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्लेमेशन मेजर ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल जो है यहाँ पर, तो चार ऑप्शन है, चार में से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो रिक्लेमेशन जो सॉयल प्रॉब्लमेटिक सॉयल जो होती है ये आपकी जो होती है सॉयल, तो इनमें क्या होता है इनका जो न्यूट्रिएंट्स होती है वैल्यू वो क्या होती है इसमें लॉस हो चुकी होती है, यहाँ पर जो हम जो क्रॉप्स होते हैं उनको जो है ग्रो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक या फिर फॉर्मेशन ऑफ रिजेज एंड फरोज या फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड बेड्स, तो यहाँ पे जो है ये सभी इनमें से कोई नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा ऑप्शन फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैड डायरेक्टेड द स्टेट इरीगेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट द इंटीग्रेटेड सोलर बेस्ड माइक्रो इरीगेशन स्कीम इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो कौन से स्टेट के CM है जिन्होंने जो अपने पूरे स्टेट के जो जिले हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो है माइक्रो इरीगेशन के लिए उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन से ईयर को जो है नेशनल मिलेट ईयर के रूप में जो सेलिब्रेट किया गया है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन थर्ड आपका ये होगा 2018 को जो है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में जो है सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल क्रॉप हैड हाईएस्ट एवरेज यील्ड केजी पर हेक्टेयर ड्यूरिंग 2016-17 इन इंडिया, तो भारत में जो है 2016-17 के दौरान में से कौन सा अनाज की फसल का औसत जो उपज है वो क्या है अधिक है, तो आंसर यहां पे है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन फोर्थ वीट, गेहूं का जो है सबसे ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन क्या होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉजिंग पैथोजन इन साइट्रस ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सी जो है डिसीज़ जो है आपका जो साइट्रस पैथोजन के समूह के अंदर जो है ये
पैदा करता है। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड, योगा फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा जो है पैरासिटिका, ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉर्नपोला ब्रीड ऑफ सीप फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये कौन, ये जो ब्रीड है सिप की जो है ब्रीड है, ये कौन से स्टेट में जो है पाई जाती है। तो आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका फोर्थ, सिक्किम स्टेट में ये जो है मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन फोर्थ है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करें और सेशन को जो है आपको शेयर करना है, कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन में और कौन से जो है आपको क्वेश्चन चाहिए किस टॉपिक पे, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रीमियम अमाउंट एज परसेंट ऑफ सम फॉर रबी क्रॉप्स अंडर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि मौसम आधारित फसल जो होती है बीमा के तहत जो रबी फसल्स होती हैं उनका राशि का प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम राशि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है, तो आंसर है यहाँ पर आपका 1.5 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मोल्ड बोल्ड प्लाउ इज़ प्राइमरी स्टेज इक्विपमेंट फॉर लैंड प्रिपरेशन, व्हाट इज़ द कैपेसिटी पर हेक्टेयर पर ट्रे ऑफ अ ट्रैक्टर माउंटेड मोल्ड बोल्ड प्लाउ। मोल्ड बोल्ड प्लाउ हल भूमि की तैयारी के लिए प्राथमिक चरण उपकरण है। ट्रैक्टर की जो है क्षमता हेक्टेयर पर ट्रे क्या है मोल्ड बोल्ड जो हल होता है। तो आंसर यहां पे जो है आपका ऑप्शन थर्ड होगा, यहां पे सेकंड ट्रे यानी होगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या है आपका ऑप्शन सेकंड। विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि वो कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में मशरूम को जो है प्रोड्यूस करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, आप लोगों ने जो है वीडियो को जो है अंत तक देखा और वीडियो को अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ में जो है शेयर किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग ऐसे अपनी तैयारी को करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आंसर क्वेश्चन का आंसर दें, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको कि उसका क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ जो है सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।